हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम नेहा आशीष तिवारी की। तो जी हाँ, नेहा आशीष तिवारी की जो है एंगेजमेंट यानी कि रोका सेरेमनी हो गई है। और सबसे पहले तो नेहा और उनके जो होने वाले हस्बैंड हैं और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी एक ऐसी लेडीज है जो लोगों के लिए, बहुत सारी लेडीजों के लिए लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और आशीष जी की एंगेज हैं, उनकी शादी अगेन वो अपनी शादी कर रही हैं, लेकिन घर वालों की मर्ज़ी से, फैमिली वाले और भैया भाभी की मर्ज़ी से। और हम सब लोग भी बहुत खुश हैं कि नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आशीष जी को या आशीष भैया को भूल जाएंगी। आशीष जी उनकी लाइफ में जो थे वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो एंगेजमेंट में आपने देखा कि आशीष भैया के पेरेंट्स भी यानी कि नेहा दीदी के एक्स मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी आए थे, जो कि ताशी से मिलने के लिए आए थे और नेहा दीदी को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। नेहा दीदी की बात ये बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि मेरी शादी के जो भी रिचुअल्स होंगे उनमें आशीष जी के मम्मी पापा जरूर शामिल होंगे, उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होगा। तो लाइफ में आगे बढ़ना मतलब ये नहीं है कि पहले पति को भूल जाना या फिर पहले फैमिली को भूल जाना। लाइफ में आगे बढ़ रही हैं ताशी के लिए, ताशी के फ्यूचर के लिए, और बढ़ना पड़ता है ना। लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँची हैं। वो शादी कर रही हैं परिवार की खुशी के लिए, है ना, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, ना कि इसलिए कि उनको किसी चीज़ की कमी है। वो सिर्फ एक, वो खुद एक सेल्फ डिपेंड लेडीज हैं। बहुत सारे लोग हैं उनसे जो उन्हें अपना आइडल मानते हैं, उनसे बहुत सारी लेडीजों ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं। परिवार को, घर को कैसे लेके चलना है, अपने एक उन्होंने रेपुटेशन, अपना एक खुदा बनाया हुआ है। और वहीं जो पारस ठकराल है उनकी भी रोका है, कल हो गया है। तो लोगों को लगता है कि पारस ठकराल का रोका हुआ है नेहा दीदी के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेहा दीदी का जो रिलेशन वो रोका हुआ है वो पारस के साथ नहीं हुआ है, यानी कि पारस ठकराल के साथ नहीं हुआ है। लोग तो ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं और वो चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं मानती हूँ, मुझे लगता है कि नेहा दीदी के जो हस्बैंड हैं वो यूट्यूबर हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो यूट्यूबर हैं। लेकिन वो जो भी कोई हैं, बहुत जल्द उनके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में नेहा दीदी मालूम चल जाएगा कि आखिर उनका जो, कि नेहा दीदी के जो होने वाले हस्बैंड हैं यानी कि ताशी के न्यू पापा, वो कौन हैं। और कोई भी इस चीज़ को रिवील करना नहीं चाहता, क्योंकि नेहा दीदी की खुशी है और सब लोग ये चाहते हैं कि नेहा दीदी ही इस अपने होने वाले पार्टनर को, हस्बैंड को, वही रिवील करें तो ही अच्छा है। लेकिन ये बात पक्का है कि वो एक यूट्यूबर नहीं है। और भगवान से प्रेयर भी करते हैं कि अब नेहा दीदी की लाइफ में कोई भी दिक्कतें ना आए, भगवान इनको सुख समृद्धि दे, लाइफ में बहुत आगे बढ़े। और ताशी का जीवन, नेहा दीदी का जीवन आगे बहुत ज़्यादा खुशी भरा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत कम एज में बहुत सारे दुख बर्दाश्त किए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो मेरे ख्याल से भगवान ने उनको जितनी परीक्षा देनी थी ले ली, अब उनके लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और माता पिता के पास भी एक वो होता है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी बेटी हमारे पास रह रही है, लेकिन अगर हमें कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा। भाई भाभी भी हैं, वो भी ये सोचते हैं कि अगर कुछ भगवान ने चाहे कुछ वो हो जाए तो क्या होगा नेहा का और ताशी का। तो उनके फ्यूचर प्लान को देखते हुए सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है और बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिया है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा दीदी एंड आप लोगों की पूरी फैमिली को। गॉड ब्लेस हर, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। जो खुशियाँ आपकी छूट गई हैं उन खुशियों को भी भगवान इस खुशियों के साथ जोड़कर दिन दोगुना रात चौगुना दे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।